गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। सही बात है ना, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, पर जब ये वक्त बीत जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। मैं हमेशा कहती हूं, वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। एंड वक्त के लिए यानी टाइम के लिए कहा जाता है, यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज इट। इस टाइम के लिए मैं कहती हूं कि ये टाइम मिलता तो फ्री में है, पर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। आई हैव गॉट टू न्यूज फॉर यू, वन इज बैड न्यूज एंड वन इज गुड न्यूज। द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट, क्योंकि समय का कंट्रोल आपके हाथ में है। यू कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ बट यू कैन नॉट बाय टाइम। टाइम एंड टीचर दोनों हमें सिखाते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर पहले सिखाता है बाद में एग्जाम लेता है, और टाइम पहले एग्जाम लेता है बाद में हमें सिखाता है। एक साल की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उस स्टूडेंट से पूछो जो एक साल फेल होके घर पे बैठा है। अगर एक महीने की वैल्यू जाननी है तो उस मां को पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गवा दिया है। अगर एक मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस मुसाफिर से बात करो जिसने एक मिनट के गैप की वजह से अपना ट्रेन, अपना फ्लाइट, अपना बस मिस कर दिया है। एक सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते एक सेकंड के लिए रह गया है। एंड अगर एक मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक के खिलाड़ी से पूछो जो एक मिली सेकंड की वजह से अपना मेडल चूक गया है। इसीलिए तो कहते हैं टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अवर लाइफ। और इसके साथ साथ मेरे भी सेमिनार का टाइम हो चुका है। मुझे लगता है कि आज ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम इज प्राइसलेस।